सो गाइस फाइनली हम गांव जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हम कैसे जा रहे थे। रियान हाय कर। तो मेरा मूवी साइड नहीं आ रहा। हटा बंद। हमें तो पता भी नहीं था। पानी पानी ये वेडिंग हाला हाला कहाँ हो तुम? बस में ही नहीं दिख रहेगा हाला मोड़ दो कहाँ कर रहे दिखा दो आज हम जा रहे हैं अमरोहा। लेकिन तो गाइस हम जब चलेगी बस अब दिखाएंगे। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाई सब कुछ, क्योंकि पता नहीं था कि बस चले मतलब हमें बस मिलेगी या नहीं, क्योंकि मिस हो गई थी। तो हम फाइनली बस में बैठ गए। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी। खाला बदतमीजी कर रही है। तो चलिए सफ़र को जारी रखते हैं। अभी बस चलेगी। मेरी तो बात ही नहीं निकल रही। निशा सो रही है। और अभी तो हम अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे। हाफ फोड के रास्ते पे हैं अभी तो। और चली रही है बस। अपने विंडो बंद कर दिए क्योंकि काफ़ी हवा आ रही है। मेरी तो वैसे भी तबीयत ख़राब हो जाती है इतनी हवा में। तो अभी ये सो रही है, सोने देते हैं, फिर मिलेंगे हम। अभी जैसे तो चल रहा है, शाम हो चुकी है, टाइम हो चुका है। आपको टाइम दिखा दूँ, 5:45 हो रहे हैं। सो चलो मैं उतर से देखो बुक्कड़ को। हमारा नाश्ता हो रहा है। हम आए हैं मतलब मंडे में, जो हल्दी मंडा जो भी है। हमारा नाश्ता, हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब हम कितना खाएंगे कुछ पता नहीं हमारा। अब हम ये प्लेट पूरी खाने वाले हैं। खा लो, तुम तो खाए लो ये बुक्कड़। हाँ खा लो। नाश्ता कर रहे हैं और शाकिब अंकल बार बार कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं लिया। मुझे हाय तो कर दो, सबको हाय कर दो। तो शाकिब अंकल ने नाश्ता लगवाया हमारे लिए। पहले नाश्ता तो कर लें हम। मेरे भांजे हैं 1 and 2। सो गाइस सब मैं हाथ से खिला रही हूँ। और मेरी प्लेट में एक भी बोटी नहीं है। ये मेरी प्लेट है, हम खाना खा रहे हैं। यहाँ भी खाना चल रहा है। कम खाओ कम। तो खाना हमारा लग चुका है। मिर्ची पे लड़ाई हो रही है। हल्ला मेहंदी का खाना आई है और हम थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी वॉइस एडिट कर रही हूँ। ये जो शादी है वो नॉर्मल शादी नहीं है। ये हाफिज़ कुरान नदीम जी की शादी है जो हम गए थे। और देखें दूल्हे राजा यहीं बैठे हैं बिल्कुल फ्रंट में। और यहाँ पर सारे जेंट्स एंड बच्चे बैठे हुए थे और वहाँ सामने हम बैठे हुए थे क्योंकि हम दिल्ली से गए थे और हम उनके स्पेशल गेस्ट हैं। अब मैं वहाँ पर मेहंदी लगवा रही हूँ, शायद आपको बहुत गौर से देखने पे मिलेगा। तो मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया यहाँ पर। एंड ये जो भाई आए हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी नात गाई थी। तो कुछ लोगों को समझ में आएगी, किसी को नहीं आएगी, इसलिए मैंने नात का नहीं लिया। लेकिन हमने बहुत अच्छे से नात इन्जॉय की, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। मतलब पहली शादी थी ये जहाँ कोई मतलब गाने वगैरह कुछ नहीं चले। बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत दिन की बातें हुई। उसके बाद मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, मैं इस व्लॉग के 3 पार्ट करूँगी। ये तो मैं मतलब शादी से पहले जो मेहंदी वगैरह मंडा वगैरह होता है, जो भी कहते होंगे आपके लैंग्वेज में वही है। तो मैं इसके 3 पार्ट करूँगी। एक ये है, एक दूसरा है एंड एक वलीमे का होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना, ठीक है। एंड ये व्लॉग मतलब ये जो वीडियो है ये मेरा भांजा बना रहा था।
ये देखें, इन्हीं की शादी है जिनके कान में मतलब भाई साहब बात कर रहे हैं, एंड वहाँ पर मैं दिख जाऊँगी। जकिया भी बैठी है और यहाँ पर बहुत ही रौनक हो रही थी। एंड मैं मेहंदी लगवाकर फिर हम घर जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए थे। एंड आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। बाय बाय। बहुत ही प्यारी सी। ये तूने नहीं लगाई, ये सानिया ने लगाई, मेरी बहन ने लगाई है। और अब हम घर जा रहे हैं। और ये डेकोरेशन हुई हुई है, गांव वाली डेकोरेशन। ये लाइट्स लगी हुई है। हाँ, और ये रहा हमारा घर, मतलब उधर है घर। और हम जा रहे हैं, चलो घर चलते हैं।